लोन डिफॉल्टर के लिए आज का वीडियो मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कारण ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि बेटे के लोन की माता पिता या परिवार से वसूली कब की जा सकती है। आज की तारीख में आप देखते हो कि कई लोग अखबारों में एक आम सूचना प्रकाशित करवाते हैं कि मैंने मेरे बेटे को बेदखल कर दिया है, उससे कोई भी वित्तीय व्यवहार करता है, किसी भी प्रकार का लेन देन करता है तो उसके लिए वह व्यक्ति खुद जिम्मेदार है, हम जिम्मेदार नहीं है। एक एडवोकेट के जरिए अखबार में यह पब्लिकेशन 99% सिर्फ इसलिए होता है कि कई औलादों के कारण उनके माँ बाप दुखी है, और कारण यह है कि वह अपनी विलासिता पूर्ण जिंदगी को पूर्ण करने के लिए या अति महत्वाकांक्षा के चलते वह लोन के भंवर जाल में फंस चुके हैं, और उन माता पिता परिवार के घर डेली रिकवरी के लोग आते हैं, डेली लीगल नोटिस आते हैं और उनका परिवार हैरान परेशान होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या बेटे के लोन पर माता पिता जिम्मेदार है? क्या माता पिता की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है? क्या माता पिता के खिलाफ वसूली का दाव किया जा सकता है? क्या उनसे कोई रिकवरी की जा सकती है? क्या कोई रिकवरी एजेंट उनको प्रताड़ित कर सकता है? आज का वीडियो इसी पर। यदि किसी बेटे ने लोन लिया है और वह लोन सिक्योर्ड है और उस घर में माता पिता निवास करते हैं, परिवार निवास करते हैं, तो रिकवरी एजेंट बिल्कुल आ सकते हैं, बस सभ्यता के साथ, तरीके के साथ, आरबीआई की गाइडलाइन के साथ, डीआरए रजिस्ट्रेशन लाइसेंस के साथ, विजिटिंग राइट्स के साथ, अपने आइडेंटिटी कार्ड के साथ आकर वह सद्भावपूर्वक वसूली की बात कर सकते। अगर लोन डिफॉल्ट हुआ है, बेटा भर ही नहीं रहा है, 3 महीने हो गए, एनपीए हो गया, तो ऐसी स्थिति में सरफेसी एक्ट की कार्रवाई करके मकान को अपने पजेशन में भी बैंक एनबीएफसी द्वारा लिया जा सकता है। भले मकान पिता के नाम पे, माता के नाम पे, लेकिन उन्होंने बेटे को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और प्रॉपर्टी उसके पक्ष में लोन करने के लिए सहमति दी थी, तो बाकायदा वह कार्रवाई कर सकते हैं। या मकान बेटे के नाम पे माता पिता रह रहे हैं तो उन्हें भी खाली करना पड़ेगा अगर बेटे ने मॉर्गेज लोन लिया है तो। लेकिन अब बात करते हैं अनसिक्योर्ड लोन की, ऐसे अनसिक्योर्ड लोन की जिनकी जानकारी माता पिता या परिवारजन को नहीं है, उन माता पिता या परिवारजन ने उस लोन के लिए अपनी कोई गारंटी नहीं दी है। ऐसी स्थिति के अंदर बैंक को कतई यह अधिकार नहीं है कि वह उनके माता पिता को, उनके परिवारजन को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को प्रताड़ित करें, न ही ऐसे मामले में बैंक उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई कर सकता है, न ही माता पिता की संपत्ति अटैच की जा सकती है। बेटे के लोन को चुकाने के लिए माता पिता कतई जिम्मेदार नहीं है, पत्नी ने लोन लिया पति जिम्मेदार नहीं है, पत्नी ने लोन लिया पति जिम्मेदार। समझना पड़ेगा कानून, जानकारी आपको होनी चाहिए। जिस लोन में आप गारंटर नहीं है, जिसमें आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं है, ऐसी स्थिति में कोई भी रिकवरी एजेंट यदि आपको आके तसल्ली से बात करे तो ठीक है, लेकिन उल्टी बात करे ना, झाड़ू लेके चमत्कार कर सकते हो, यह आपका अधिकार है। ज्यादा बदतमीजी करें, फोन उठाओ, रिकॉर्डिंग भागते नजर आएंगे, और ज्यादा करें 112 नंबर 100 नंबर फोन लगाओ, पुलिस जाब्ता बुलाओ, बात खत्म। और ऐसे माँ बाप अपने बेटे को बेदखल करने के लिए अखबार में प्रकाशन भी करवा सकते हैं, और यदि बेटा कहने में नहीं है तो सिविल कार्रवाई करके बेटे को परमानेंटली बेदखल भी कर सकते हैं। तो ये जानना इंपॉर्टेंट था आपके लिए कि बेटे ने लोन लिया है तो उसके लिए उसका परिवार उत्तरदायी नहीं है। साथ ही इसी प्रकार के कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट पर पोस्ट है, जहां हर जानकारी दी हुई। आप चैनल पर विजिट करें, फोन नहीं करें, हर जानकारी पोस्ट है। उसके बाद भी यदि बात करना चाहते हैं तो बिना कॉल बुक हुए बात नहीं हो पाएगी। बात करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक होने पर आपको स्वतः फोन आ जाएगा, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जब फोन बुक होता है ना तो 1 घंटा भी बात करनी पड़ती है, 4 दिन भी बात करनी पड़ती है, 6-6 बार भी बात करनी पड़ती है, इसलिए बिना कॉल बुक कॉल पॉसिबल नहीं। आपका कोई साथी, मित्र,
परिचित, रिश्तेदार, कोई बुजुर्ग यदि इसी प्रकार के मामले से पीड़ित है जहां बेटे ने लोन लिया और माता पिता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। जनहित में आपके लिए, उनके लिए एक अच्छा वीडियो है, इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।